वीर थे, वो इतने बड़े फकीर थे कि वो माफीनामे लिखेंगे कैसे वीर थे वो। आपको पता ही, एक छोटा रिचार्ज लगा हुआ है, एक बड़ा रिचार्ज गुजरात में लगा हुआ है। पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया। ये जो नया नया अभी उभरा ना शुतुरमुर्ग, हम आम आदमी है, हम कोई वो नहीं लेंगे। लड़ाई हर मंच पे लड़ूंगी, जो भी मंच देश में लगेगा ना किसानों के लिए, मैं उस मंच पर लगूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि किसान कांग्रेस ने किसानों को फिर से जागरूक करने का काम किया है, क्योंकि किसान कुछ समय के लिए सत्ता के जो बहकावे में आ गए थे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, पता नहीं कितनी दूर दूरों से यहाँ पे किसान आए हुए हैं। 3 बजे तक लिखी, सर्वाइकल भी हो गया मेरे को। देखिए, मैंने लिखा था कि जिसमें जिसकी औकात है ना, मैंने उस औकात को दर्शाया है इसमें। मैं वैसे कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं 4 लाइनें जो है मैं लिखूं। तो मैंने लिखा था, सत्य का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लतपत देखा, इंदिरा जी की बलिदानी देखी, राजीव जी को छत विपक्ष देखा, और बाधाओं का समन किया, तानाशाह का दमन किया, राष्ट्र ध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया, गोरे जब सत्ताधीश रहे, हर पल हमसे भयभीत रहे, तुम माफी वीर के कीचड़ हो। हम चहचे बार के पत्र लिखे हैं, आपने देखा नहीं, हमारे देश के, हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने आराम से उनके पत्र भी दिखाए हैं। वीर थे वो, इतने बड़े फकीर थे कि वो माफीनामे लिखेंगे कैसे वीर थे वो। देश के वीर का मतलब क्या होता है? जो देश के लिए शहादत देता हो, जो अपनी कुर्सी का त्याग करता हो, जो अपने मुंह को छोड़ता हो, वो नहीं होते। देखिए, ये हमारे नेताओं का एक वो है कि वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन किसानों की बात सुनिए। भगत सिंह वीर थे, हम उनको बोलेंगे आजाद। देखिए क्या वहाँ पे पार्टी है, आपको पता ही, एक छोटा रिचार्ज लगा हुआ है, एक बड़ा रिचार्ज गुजरात में लगा हुआ है। ठीक, छोटा रिचार्ज हमारी वोटें काटने का काम कर रहा है, रिचार्ज दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, आप कैसे रिचार्ज सुनिए, हमने कब कहा। लेकिन सिर्फ जो वोट काटने की राजनीति करते हैं ना, इससे सत्ता परिवर्तन जो करते हैं, सत्ता की वोट भी काटते हैं, दूसरी पार्टी की, विपक्ष की वोट काट दिया। देखिए, ये हमारे किसान भोले भाले हैं, इन्होंने फिर से छल लिया। 13 महीने आंदोलन चलाने के बावजूद इन्होंने जो है उनको छल करके झूठ किया, और इसीलिए आंदोलन फिर से होगा। ऐसा नहीं है, नहीं होगा। किसने बोला आपको किसान हिंदू है? किसने बोला? यहाँ देश का किसान खड़ा हुआ है, और मैं आपको मीडिया दुनिया को पता, पूरे देश का जो घनचक्कर की तरह घूम रहे हैं ना, वो गोदी मीडिया पूरे देश को पता है। जब उन पे एक पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि ऐसे नोटों से उस पत्रकार रवीश कुमार जी को खरीद सके, तो वो है, उन्होंने पूरा सिस्टम को गोदी मीडिया बना दिया। अब एक बात बताइए, यही तो दुर्भाग्य देश का कि पूरे चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो देश का मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है ये आप सरकार से पूछो, मीडिया से पूछो। किसान अगर उसके साथ होता तो वो लखीमपुर कांड पर इतने प्रचंड वो नहीं नाचते, हमारे यहाँ पर लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं जो इन्होंने काम किया। दूसरी बात, हमारी हिमाचल में सरकार बनी और वहाँ के लोगों ने समझा, और ये जो नया नया भी उभरा ना शुतुरमुर्ग, हम आम आदमी है, हम कोई वो नहीं लेंगे सुविधाएं सरकार से, हम गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। ये जो सुन लीजिए, ये जो शुतुरमुर्ग नए नए पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस को भटकाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि पक्ष देश में दोनों ही रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना भी जरूरी है। 2014 में युवाओं ने, किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, अब जनता फिर। हम डंडे लेके नहीं लड़ेंगे, हमारे पास प्लान है, हमारे पास युवा इतना बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इतना कर्जबंद हो गया। 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकाले ना, कितनी बेटियों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने आत्महत्या की, और कितने बलात्कार हुए देश में। मोदी कह रहे हैं आज युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ।
वोट करो। देखो कभी भी जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट नहीं करती है, सबको पता है। जनता को ये छल लेते हैं जनता के साथ। मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुनिए, और ये बात मेरी नरेंद्र मोदी जी तक, गृह मंत्री जो है ना, जिनको बात करने का लहजा नहीं पता है, उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी की इतनी औकात है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी से नजरें मिला करके बात करें और 25 किलोमीटर डेली यात्रा में चल करके दिखाए अगर उनकी इतनी हैसियत है। पहले से ही बनी हुई है वो, तो सबको पता हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी विकास को जनता पसंद कर रही है। देखिए देश में एक बाबा भी आए थे, योग करो तुमने योग करना चालू करा, उन्होंने बिजनेस करना चालू करा, आज तक वो योग करने नहीं दिखे। काश छठी क्लास में पढ़ के भी फेल होगा, दुनिया को पता है जब देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, ये आप समझ रहे हैं। युवा आंदोलन करता था इसी जंतर मंतर पर, अग्निपथ के प्रभावित होकर के लड़कों ने आत्महत्या करी, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, ये इतिहास है। हर काम में इतिहास मोदी जी का, ये भी इतिहास है कि पहली बार रात के अंधेरे में बेटी का बलात्कार हो गया, 2 बजे जला दिया। आपके पास ये कैसे इंक्वायरी पहुंची? दूसरी बात, अगर आपके पास पहुंची तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है जो किसान इस तरीके की बातें किसानों के लिए बोला जा रहा है, क्या कर रही है फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या कर रही है वो? हमें अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कोई शक नहीं है, दूसरी बात, लेकिन हमें इस तरीके की बातों से बहुत बड़ी तकलीफ है। तो मैं आपको बहुत पहले से सुनती, आप बताइए आपके पास कैसे ये वाली इंफॉर्मेशन है? इसका मतलब कि आपके तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो उन्होंने आपको बताया है ना आपको, तो इसका मतलब आपके तार जुड़े हैं। इससे बड़ी आपकी जांच होनी चाहिए, जो टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं ये बड़े बड़े मंत्री तंत्री, इनकी जांच होनी चाहिए। यही तो बोलते हैं, तभी तो उनकी बातें आप हमें बता। गुजरात में आपने देखा भी होगा, वहां के जो लोग हैं इन्होंने पूरा सिस्टम, अभी देखिए गुजरात हार जीत का मुद्दा नहीं रह गया, गुजरात ये भी मुद्दा रह गया, सबसे ज्यादा पोरबंदरों पे नशे का पदार्थ कहाँ मिला? गुजरात में सबसे ज्यादा 2000 के नोट कहाँ मिल रहे? गुजरात में सारा सिस्टम देश का ले जाकर कहाँ लगा रहे? गुजरात में। तो कुछ तो वो लोग देख रहे हैं ना जो इनको मैनेज करते हैं, जनता को भोली भाली को फंसा लेते हैं। गुजरात में चुनाव के बावजूद बलात्कारियों को छोड़ने वाली बेटी गृह राज्य से आती है मोदी जी के, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों छोड़ा बलात्कार को, क्यों मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी का बलात्कार हो जाते हैं। लखीमपुर कांड, औरैया, उन्नाव कैसे कांड, कोई बोलता है नहीं? एक महिला बड़ा संसद में बोलते तो। मैं आज भी खुले मंच पर कहती हूँ, जो श्रद्धा के साथ में हुआ ये बहुत घिनौना काम था, मैं इसकी निंदा करती हूँ, और जो श्रद्धा का कातिल आफताब उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो खुले मंच पे बोल रही हूँ, और सबसे पहले मैंने अपने उस पे सोशल मीडिया का अकाउंट पे बोला, अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोला? सुनिए, देश का जो शेर को पालते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन कुत्ते को लीपा पोती करते हैं ना उसका ज्यादा खर्चा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसको बोल रही हूँ नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी को नहीं बोला, मैंने आपके शेर वाली बात का जवाब दिया है। अब आप इसको काट के चलाओ, पीट के चलाओ, मेरा लड़का भी वीडियो बना रहा है। मैंने ये बोला कि आप शेर की कह रहे हैं बात, अगर शेर को हम पालते तो इतना महंगा नहीं पड़ता उसको लीपा पोती। आज मैं इस बड़े मंच पर आप सभी के सामने बोल रही हूँ कि पूरा हिंदू होगा उनके साथ, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण जाति से आती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से सनातनी नहीं है। वोट दे दिया, हाँ गुजरात में वोट दे दिया, सबको पता, पूरा सिस्टम ही वहां लगा रखा, घर घर प्रधानों को। आपको पता है खतौली में उपचुनाव हुए, 10 वीडियो मैं दिखा दूंगी प्रधानों को घेर करके कि वोट नहीं कराना। जीत लिया बीजेपी, रामपुर कैसे जीत लिया? औरतों की वीडियो नहीं देखी आपने? औरतों को मारा है, पीटा है, यहाँ पे खून निकल रहा है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। देखिए मैंने आपको बताया कि मार करके पीट करके इंसान कोई झेल लेता, कोई नहीं झेल पाता। मैं बोला पूरे में तो अभी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने चुनाव जिताया, पूरी टीम लगी, पूरे के कार्यकर्ता ने हिमाचल को जिताया, आपको पता नहीं 2-3 महीने से वही है। देश के समस्त मीडिया में सबसे ज्यादा मायने वो मीडिया रखता है मेरी नजरों में जिन्होंने देश के किसान आंदोलन को बोला मीडिया खिलाफ, कांग्रेस नहीं है मीडिया खिलाफ। जब एक बात बताओ फोन करके ये बोल देंगे हाँ एड नहीं देंगे हम तुमको, तुम्हारे चैनलों को, इस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया, उस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया, अजीत अंजुम जी, प्रसून वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा, और अभी नया नया ताजा ताजा रविश कुमार जी, जब ये उनको खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिए। इतने जो लोग निकले चैनलों से क्यों निकले? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने पत्रकारिता को ईमानदारी से बचाया।